मंदिर ने पुकारा मस्जिद ने पुकारा मंदिर ने पुकारा मस्जिद ने पुकारा अल्लाह ने पुकारा तुम्हें ईश्वर ने पुकारा अल्लाह ने पुकारा तुम्हें ईश्वर ने पुकारा आजाद वतन के लिए बलिदान हो जाना आजाद वतन के लिए कुर्बान हो जाना आजाद वतन के लिए बलिदान हो जाना आजाद वतन के लिए कुर्बान हो जाना बनने को तैयार रहो मिलने को तैयार रहो बनने को तैयार रहो बनने को तैयार काम की खिदमत में रहो मिलने को तैयार काम की खिदमत में रहो मिलने को तैयार बनने को तैयार रहो मिलने को तैयार रहो बनने को तैयार रहो बनने को तैयार बनने को तैयार रहो मिलने को तैयार रहो बनने को तैयार आज़ादीनामा की यह 9वीं कड़ी डरे हुए लोगों के नाम, उन लोगों के नाम जो पहले विदेशी हुकूमत से डरते थे और अब अपनी चुनी हुई सरकारों से, स्वदेशी सरकारों से डरते हैं। उन बच्चों और दोस्तों के नाम जो अपने माँ बाप को, अपने परिजन को, अपने दोस्तों को अंतिम विदाई नहीं दे पाए कोरोना से, डर की वजह से, मौत की डर की वजह से, उन सब डरे हुए लोगों के नाम जो कुछ करने से, कहने से और सुनने से डरते हैं। डरना वैसे तो उस जिंदगी से चाहिए जिसमें करुणा नहीं है, उस जिंदगी से जिसमें स्वाभिमान नहीं है और उस जिंदगी से जिसमें त्याग और समर्पण नहीं है। आजादी का उत्सव बाजार से एक तिरंगा झंडा खरीद कर गाड़ी पर लहरा देना नहीं है, न उधार के व्हाट्सएप मैसेज को इधर उधर फॉरवर्ड कर देना आजादी का उत्सव है, और न ही वंदे मातरम कहकर किसी को डरा देना आजादी का उत्सव मनाना है। आजादी का उत्सव मनता है बलिदान से, और अपने बलिदान से, दूसरों के बलिदान से नहीं। आज़ादीनामा की ग्रामोफोन गाथा की 9वीं कड़ी में आज बात गुलाम भारत की सबसे झकझोर देने वाली पहली शहादत की। बात एक 18 साल के निर्भीक हिंदुस्तानी की जो न अत्याचारी शासन से डरा, न निर्दयी न्यायालय से डरा और न ही फांसी की सजा से डरा, और जब जज ने उसको फांसी की सजा सुनाते हुए उससे पूछा, तुम्हें फांसी से डर नहीं लगता? उस युवक का जवाब था, क्यों, मैंने क्या गीता नहीं पढ़ी? जो गीता का सार समझते हैं वे डरते नहीं हैं। आज आज़ादीनामा में बात खुदीराम बोस की, बात शहादत के उस तराने की जिसने हर माँ का सीना चौड़ा कर दिया था, बात एक अमर बांग्ला देशभक्ति गीत की, एक बार विदाई दे माँ घुरे आशी, बात होगी वफादारों की और कुछ बात गद्दारों की भी। एक बार विदाई दे माँ विदाई दे माँ घुरे आशी, हंसी हंसी पूर्व फांसी देख बे भारतवासी,
दोस्तों, पूर्वी भारत में कई भाषाओं में कई प्रयोग बड़े मोहक और रोचक हैं। जैसे लोग जाते हैं पर जाते नहीं हैं, जाने वाला कहता है आता हूं। बांग्ला में कहते हैं घुरे आशी, मैथिली में अबै छी, असमिया में फुरी आहू। खेलने जाता हूं नहीं, खेलकर आता हूं। ऑफिस जाता हूं नहीं, ऑफिस से आता हूं। इस अभिव्यक्ति में एक आश्वासन होता है, एक कोमलता का भाव होता है। बच्चे मां से अनुमति लेकर कहीं जाते हैं, चाहे खेलने ही क्यों न जाना हो, खेलकर आने की अनुमति दे दो मां। अब सोचिए, एक किशोर अपनी मां से अनुमति चाहता है कि फांसी पर चढ़कर आता हूं मां, अनुमति दे दो। एक बार विदाई दे मां घुरे आशी, हांसी हांसी पोरबो फांसी, देखबे भारत बासी। एक बार विदाई दे मां घुरे आशी, एक बार विदाई दे मां घुरे आशी, एक बार विदाई दे হাসি হাসি করব ফাঁসি, দেখবে ভারতবাসি, একবার বিদায় দে মা। और यह अनुमति कोई किशोर अपनी दिवंगता माँ से मांग रहा हो तो उसकी अपनी माँ के प्रति श्रद्धा के भाव का आप अनुमान करिए। दोस्तों, माँ से अनुमति मिली, अंतिम इच्छा के रूप में जाते हुए मौसम का एक आम खाया, तनकर खड़ा हुआ और हंसी हंसी फांसी पर झूल गया। वंदे मातरम का वह नन्हा पुजारी स्वयं का ही उत्सर्ग कर गया। हाथ में उसके गीता थी जब वह फांसी के तख्ते तक पहुंचा। यह घटना 11 अगस्त 1908 की है, बिहार के मुजफ्फरपुर जेल की। 18 साल के खुदीराम बोस ने आत्म बलिदान का अन्यतम उदाहरण प्रस्तुत कर दिया था। देश की हर स्वाभिमानिनी मां अपने सपूत के बलिदान पर फूली नहीं समा रही थी। देश का हर स्वाभिमानी बेटा खुदीराम के मार्ग पर चलने को आंदोलित था। इन देशव्यापी भावुक पलों को एक सुंदर से बांग्ला गीत में पिरोया गया, एक बार विदाई दे मां घुरे आशी। पूरा बंगाल इस गीत को गाता और रोता, अपने आंसू पोंछता और फिर जोश से वंदे मातरम का उद्घोष कर अंग्रेजी हुकूमत को दहला देता। लोग स्वराज स्वदेशी की शपथ लेते और फिर आंदोलन पथ पर चल निकलते। खुदीराम बोस के बलिदान की जनमानस पर ऐसी छाप पड़ी कि लोग उसे पहनने ओढ़ने भी लगे थे। जी, धोती की पूरी पाड़ बॉर्डर में वह गीत लिखा होता था, लकड़ी के छापे से उसे उस पर मुद्रित किया जाता था। लोग उसे गर्व से पहनते थे। उस जमाने में उस धोती की कीमत 4 रुपये थी। 17 फरवरी 1910 को वह धोती अंग्रेजी सरकार के संज्ञान में आई। मणिलाल नाम के किसी मुलाजिम ने कलकत्ते के पुलिस उपाधीक्षक एसके महापात्रा को वह धोती लाकर दी, जिसने उस पूरे मामले की तहकीकात की और उसकी पूरी रिपोर्ट 17 फरवरी 1910 को अपराध
निगरानी विभाग के निदेशक एससी वुडमैन को दी। इससे कितना हड़कंप मचा पूरी ब्रिटिश व्यवस्था में, इसका अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि अभी अभी बने भारतीय प्रेस एक्ट का पहला प्रयोग इसी गीत पर पूरी ताकत से कर दिया गया, बल्कि इस धोती पर उसे पूरी ताकत से लगा दिया गया। इस गीत को राजद्रोह की श्रेणी में रखा गया। कहा गया कि यह गीत लोगों को हिंसा के लिए उकसाने और सरकार के प्रति विद्रोह करने के लिए प्रसारित किया जा रहा है। इस आधार पर 12 मार्च 1910 को भारतीय प्रेस एक्ट के प्रावधान के तहत फेयरवेल मदर धोती पर प्रतिबंध लगा दिया गया। विदाई दे माँ का अनुवाद अंग्रेजी हुक्मरानों ने फेयरवेल मदर किया था। महापात्रा ने उस पूरे गीत का अंग्रेजी अनुवाद किया था अपने अंग्रेज मालिकों के लिए। उसने अपनी रिपोर्ट में यह भी लिखा था कि ये धोतियां मिदनापुर से बनकर आ रही हैं, जो कि खुदीराम बोस का जन्मस्थान था। वैसे इस बात का कोई सबूत नहीं है कि अन्य स्थानों में ये धोतियां बन नहीं रही थीं या बिक नहीं रही थीं। इस धोती से आतंकित होकर पूरे भारतवर्ष में प्रशासन को निर्देश भेजे गए कि फेयरवेल मदर धोती पर ध्यान रखा जाए और उन्हें पाते ही जब्त कर लिया जाए। विदाई दे मां धोती की भारतीयों में लोकप्रियता और ब्रिटिश व्यवस्था में घोर चिंता का अनुमान इस बात से भी लगाया जा सकता है कि इंग्लैंड की संसद में एक संसदीय प्रश्न वहां के सांसद श्री विलियम पोलार्ड वाइल्स ने पूछा फेयरवेल मदर धोती पर पाबंदी को लेकर 20 अप्रैल 1910 को। यहां तक कि बॉयल्स ने उस धोती की एक प्रति भी इंग्लैंड मंगवाने को कहा। वे स्वयं एक अखबार के मालिक थे और प्रेस के स्वतंत्रता के लिए सचेत रहते थे। यह कहना भी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि भारतीय प्रेस एक्ट के अस्तित्व में आने के पीछे भी खुदीराम बोस के बलिदान की बड़ी भूमिका थी। खुदीराम बोस पर चले मुकदमे के विरोध में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने कई लेख अपनी पत्रिका केसरी में लिखे। उनके लेखों को ब्रिटिश सरकार ने राजद्रोह की श्रेणी में रखा। उन पर भी मुकदमा चला और उन्हें 6 साल के लिए देश निकाला दे दिया गया। उन्हें बर्मा के मांडले जेल में भेज दिया गया 14 सितंबर 1908 को। भारत माता के इस किशोर की शहादत ने पूरे प्रशासन की नींव हिला दी थी। सरकारी मुलाजिमों में हमेशा दहशत होती थी बंगाल के विप्लवकारियों की, जिन्होंने दर्जनों सरकारी गवाहों और मुलाजिमों का सर कलम कर दिया था। इन क्रांतिकारी गतिविधियों की जांच के लिए रॉलेट की अध्यक्षता में गठित समिति सेडिशन कमिटी ने मुजफ्फरपुर बम कांड से ही बंगाल के क्रांतिकारी आंदोलन का सूत्रपात माना है। आते जो भी था तो छोरा तुर खुदी की पुड़ तो धारा मारो रक्त मंश एक रीतम देख तमाम सरकारी अत्याचारों के बावजूद यह गीत गाया जाता रहा देश में आत्मबलिदान की भावना बनाए रखने के लिए। बाद में ग्रामोफोन रिकॉर्ड पर यह मार्मिक गीत रिलीज हुआ। इसे कई लोगों ने गाया। कोलंबिया रिकॉर्ड पर श्री तारा भट्टाचार्य की आवाज में यह मार्मिक गीत रिलीज किया गया। इस रिकॉर्ड में गीत की सुर संरचना कालोबरन दास की है। आजादी के बाद भी सुभाष चंद्र नामक बांग्ला फिल्म में लता मंगेशकर ने यह गीत गाया, जो बहुत लोकप्रिय हुआ। हम सब जानते हैं कि खुदीराम बोस के अतुल्य बलिदान ने सुभाष चंद्र बोस सहित भारत के अनगिनत क्रांतिकारियों और नेताओं के जीवन को प्रभावित किया। हाते जो
पुकार विदाई दे माँ बुरे आशी। खुदीराम बोस का जन्म जवाहरलाल नेहरू के जन्म के 2 सप्ताह बाद बंगाल के मिदनापुर में हुआ था, 3 दिसंबर 1889 को। पिता तहसीलदार थे। दुर्भाग्यवश जब खुदीराम 6 वर्ष के ही थे, खराब स्वास्थ्य के कारण उनकी माता और उनके पिता दोनों चल बसे। खुदीराम अनाथ हो गए। बड़ी बहन ने सहारा दिया और स्कूल में उनका नाम लिखवा दिया गया। उन्हें अपने आसपास जितनी लाचारी दिखती थी, जिस तरह का दमन दिखता था, उससे वे बहुत उद्विग्न रहते थे। उनको पढ़ाई बेमानी लगने लगी ऐसे में, सो छोड़ दी। 1902-1903 में उन्हें अरविंद घोष के भाषण सुनने का अवसर मिला। फिर उन्हें अनुशीलन समिति के बारे में पता चला और वे समिति की गतिविधियों में सक्रिय हो गए। तभी 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया गया। हम सब जानते हैं पूरा बंगाल उद्वेलित हो गया। जुगांतर, वंदे मातरम, संध्या और नवशक्ति नामक बांग्ला पत्रिकाओं ने अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध आग उगलना शुरू कर दिया। मिदनापुर में खुदीराम बोस भी इन पत्रिकाओं की प्रतियां सार्वजनिक जगहों पर वितरित करते और गुप्त ठिकानों पर पहुंचाते, और जो भी जिम्मेदारियां उन्हें दी गईं वे सब निभाते। इस नन्हे बालक ने बहुत कम उम्र में और बहुत कम समय में उस समय के बंगाल के वरिष्ठ क्रांतिकारी नेताओं का विश्वास जीत लिया था। खुदीराम विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के लिए मिदनापुर में चर्चित थे। वे अंग्रेजी नमक की नाव डुबोने, विदेशी सामान रखने वाले व्यापारियों को सजा देने वाले के तौर पर भी जाने जाते थे। 1906 में एक सरकारी कार्यक्रम में वंदे मातरम पत्रिका की प्रतियां वितरित करने के आरोप में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, परंतु कम उम्र होने की वजह से बाद में बरी कर दिया गया। वे 1907 के अंत में कलकत्ते आ गए और यहां की क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़ गए। उस समय वहां चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट किंग्स फोर्ड था। वह बहुत ही क्रूर था। बंग भंग के प्रतिरोध की आवाज को दबाने के लिए कोई छोटी शिकायत मिलने पर भी वह आरोपी को क्रूर से क्रूर सजा देता था। हद तो तब हो गई जब उसने एक बालक सुशील कुमार सेन को निर्दयता से चाबुक लगवाए। पूरे बंगाल में उसकी इस निर्दयता ने लोगों में आक्रोश भर दिया। किशोर खुदीराम बोस भी उस घटना से बहुत उद्वेलित था। 1908 में किंग्सफोर्ड को डिस्ट्रिक्ट जज बनाकर बिहार के मुजफ्फरपुर में भेज दिया गया। बंगाल के प्रसिद्ध क्रांतिकारी बारिंद्र घोष और अन्य क्रांतिकारियों ने किंग्सफोर्ड की हत्या करने का निर्णय किया। इसके लिए बारिंद्र घोष ने युवा क्रांतिकारी प्रफुल्ल चाकी को चुना। यह बात पता चलने पर खुदीराम बोस ने भी इस मिशन में शामिल होने की इच्छा हेमचंद्र दास से जताई। हेमचंद्र बम बनाने की कला फ्रांस से सीख कर आए थे। उन्होंने ही किंग्सफोर्ड को मारने के लिए बम बनाया था। वे खुदीराम की क्षमता से अच्छी तरह अवगत थे। मिदनापुर से ही उनकी एवं उपेंद्रनाथ बसु की अनुशंसा पर बारिंद्र घोष ने खुदीराम बोस को भी प्रफुल्ल चाकी के साथ मुजफ्फरपुर अभियान के लिए भेज दिया। गुणियन खाने की 9वीं कड़ी की प्रासंगिकता इसी घटना से जुड़ी है। आज से 4 दिन पहले उस घटना के 113 साल हो गए। 113 साल, 30 अप्रैल 1908 को रात में खुदीराम बोस ने मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड के क्लब से लौटते समय उसकी गाड़ी को निशाना बनाते हुए उस पर बम फेंका, परंतु धोखे से वह बम एक जैसी दिखने वाली दूसरी गाड़ी पर जा गिरा। वह गाड़ी वहां के एक अंग्रेज बैरिस्टर की थी, जिसमें उसकी बेटी और पत्नी थी। दोनों बम का शिकार हो गईं। खुदीराम को निर्दोष महिलाओं के आहत होने का बहुत अफसोस हुआ। अंधेरे की वजह से खुदीराम और प्रफुल्ल यह नहीं देख पाए कि गाड़ी में कौन सवार था, परंतु निशाना कितना सटीक था उसका विवरण अंग्रेजी सरकार के 20 मई 1908 की रिपोर्ट में मिलता है। खुदीराम के निशाने को टेरिबल एक्यूरेसी का
विशेषण दिया गया। उस गाड़ी का साइस लंगर दुसाद भी हमले में घायल हुआ था। अंग्रेजी हुकूमत ने बम फेंकने वाले का सुराग देने वाले को 5,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा कर दी। संचार के सारे साधनों, सारे खुफिया तंत्र, सारी पुलिस मशीनरी उन दोनों को पकड़ने में लगा दी गई। मुजफ्फरपुर से पसरी आग कलकत्ता होते हुए इंग्लैंड तक पहुंच गई कुछ ही घंटों में। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी दोनों मुजफ्फरपुर से अलग अलग दिशाओं की तरफ भागे, एक पहलेजा घाट की तरफ और एक मुकामा घाट की तरफ। अगले दिन 1 मई 1908 को खुदीराम को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं प्रफुल्ल चाकी ने पुलिस द्वारा घेर लिए जाने पर पहले तो बची हुई गोलियों से उन पर फायरिंग की, फिर आखिरी गोली से आत्मबलिदान कर दिया। इन दोनों क्रांतिकारियों को पकड़ने का पाप करने वाले कोई अंग्रेज नहीं थे, भारतीय ही थे। नाम भी बता देता हूं आपको, हिंदू भी थे और मुसलमान भी। ये अंग्रेजी पिट्ठू थे नंदलाल बनर्जी, चतुर्वेदी रामानंद शर्मा, शिवशंकर सिंह, जमील अहमद खां, फतेह सिंह और शिवप्रसाद मिसर। इस घटना की एक विस्तृत रिपोर्ट मुजफ्फरपुर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एससी वुडमैन ने 4 मई 1908 को बंगाल के चीफ सेक्रेटरी को भेजी। उसमें खुदीराम बोस का बयान भी था। खुदीराम की गिरफ्तारी के अगले दिन ही कलकत्ते में बड़े पैमाने पर क्रांतिकारियों के ठिकानों पर छापेमारी की गई। बारिंद्र घोष एवं अरविंद घोष के साथ दर्जनों क्रांतिकारी गिरफ्तार कर लिए गए। इस मुकदमे के लिए बांकीपुर के जज कॉन्डफ का तबादला मुजफ्फरपुर में अतिरिक्त जज के रूप में किया गया, क्योंकि किंग्सफोर्ट उस मानसिक हालत में नहीं था कि उस स्वयं उस मुकदमे का निर्णय कर पाता। 25 मई 1908 को यह फैसला हुआ कि खुदीराम का मुकदमा अलग से ही चलाया जाएगा, बारिंद्र पर मुकदमा अन्य साथी क्रांतिकारियों के साथ कलकत्ते में ही चलाया गया। इस मुकदमे की गाथा अगली किसी कड़ी में विस्तार से साझा करूंगा ग्रामोफोन रिकॉर्ड के माध्यम से ही। जहां पूरे देश में लोग खुदीराम बोस की जय जयकार कर रहे थे, वहीं कोई वकील उनकी पैरवी करने सामने नहीं आया। फिर मुजफ्फरपुर के ही श्री कालिदास बोस नामक वकील ने उनकी पैरवी की। कालिदास जी ने उस मुकदमे के लिए एक पाई भी नहीं ली। 26 मई 1908 को मुकदमा शुरू हुआ और 13 जून 1908 को खुदीराम को फांसी की सजा सुना दी गई। फांसी की सजा के विरुद्ध फोर्ट विलियम के हाई कोर्ट में अपील दायर हुई। कलकत्ते में भी कोई नामी वकील खुदीराम की पैरवी के लिए आगे नहीं आया। उस वकील की फीस कौन देता। वहां से भी 13 जुलाई को फांसी की सजा पर मुहर लगा दी गई। अगस्त 1908 को सुबह 6 बजे खुदीराम को फांसी की सजा दे दी गई। उनके वकील श्री कालिदास बसु ने उनकी अंतिम क्रिया का भार अपने ऊपर लिया। जेल से खुदीराम का पार्थिव शरीर मिलने पर उनकी अर्थी को सजाया गया। उस अंतिम यात्रा में विशाल जनसैलाब उमड़ आया। उस घटना को याद करते हुए शारदा प्रसाद भंडारी ने चांद पत्रिका के फांसी अंक में कुछ ऐसा विवरण दिया। उन्होंने लिखा, बृहद जनसमूह खुदीराम की श्मशान यात्रा में शामिल हुआ था। अस्थि चूर्ण और भस्म के लिए परस्पर छीना झपटी होने लगी। कोई सोने की डिब्बी में, कोई चांदी के और कोई हाथी दांत के छोटे छोटे डब्बों में वह पुनीत भस्म भर ले गए। एक मुट्ठी भस्म के लिए हजारों स्त्री पुरुष प्रमत्त हो उठे थे।
भारतवर्ष में हजारों वर्ष बाद किसी महापुरुष के अस्थि अवशेष के लिए लोग प्रमत्त हुए थे। कभी भगवान बुद्ध के अस्थि अवशेष के लिए समकालीन राजाओं के बीच होड़ मची थी और फिर 8 राज्यों में उनका बंटवारा हुआ था, परंतु वह एक राजनीतिक उद्यम था। यहाँ कृतज्ञ राष्ट्र श्रद्धा भाव से उसे सहेज रहा था। एक उदाहरण से वह श्रद्धा भाव और रेखांकित हो जाता है कि खुदीराम बोस की फांसी के अगले दिन ही कलकत्ते में लोग उनके अस्थि अवशेष को प्रसाद के रूप में लिए घूम रहे थे। 12 লক্ষ 33 কোটি রইল মা তোর বেটা বেটি মাগো, তাদের নিয়ে ঘর করিস মা, বউদের করিস দাসী, একবার বিদায় দে মা। पूरे बंगाल में लोग खुदीराम के प्रति सम्मान दिखाने के लिए बिना जूते के घर से बाहर निकले। हर जगह खुदीराम की बहादुरी के ही किस्से थे। खुलना से खबर आई कि वहां के विद्यालयों में छात्रों ने फांसी के विरोध में अपनी कलाइयों पर काला धागा बांधा। वहां के आम लोगों ने सप्ताह भर मछली न खाकर अपना शोक प्रकट किया। मेमन सिंह के विद्यालयों में शोक सभा आयोजित होने की खबरें आईं, तो कई जिलों से बाजार बंद रहने की खबरें भी आईं। 12 লক্ষ 33 কোটি রইল মা তোর বেটা বেটি মাগো, তাদের নিয়ে ঘর করিস মা, বউদের করিস দাসী, একবার বিদায় দে মা, ঘুরে আসি। इस अन्याय के विरोध में लिखने के कारण एक तरफ तिलक को देश निकाले की सजा हो गई, तो दूसरी तरफ मोहनदास करमचंद गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए केबलग्राम से, जिसे आप टेलीग्राम समझिए, पहुंच रही खबरों के आधार पर खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी के मुजफ्फरपुर कृत्य को रूसी मॉडल का कृत्य बताया और उसकी निंदा की। यह कहने में कोई हिचक नहीं मुझे कि कभी कभी कोई अहिंसक विचार बीभत्स रूप में अप्रासंगिक होते हैं और देशद्रोही भी। गांधी की वह प्रतिक्रिया उसी श्रेणी में आती है। और यह पहली और आखिरी बार नहीं हुआ था। गांधी की चुप्पी और गांधी के अप्रासंगिक विश्लेषण ने देश को बिस्मिल और उनके साथियों के मुकदमे से लेकर भगत सिंह एवं उनके साथियों के मुकदमे और उन सबकी फांसी के समय भी बुरी तरह विचलित किया। गांधी ने शायद उस खबर पर भी गौर नहीं किया कि प्रफुल्ल चाकी के मृत शरीर की पहचान खुदीराम बोस एवं अन्य प्रत्यक्षदर्शियों द्वारा कर लिए जाने पर भी मुजफ्फरपुर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने प्रफुल्ल चाकी का सिर गर्दन से काट कर उसे कलकत्ता भेजा था ताकि उसकी पहचान सुनिश्चित की जा सके। मैं गांधी की उस भावना को भी नहीं समझ पाया जिससे अभिप्रेरित होकर उन्होंने दक्षिण अफ्रीका से लौटते ही प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों से ब्रिटिश आर्मी में भर्ती होने के लिए न सिर्फ अपील की बल्कि सक्रिय अभियान चलाया। और तो और, गांधी ने एनी बेसेंट और जिन्ना को इस कार्य में सक्रियता से पहल करने का आग्रह किया। आर्मी में भर्ती होने का आह्वान क्या अहिंसक कार्य था? हजारों भारतीयों को औपनिवेशिक षड्यंत्र के विश्व युद्ध में मरने के लिए भेज देना क्या अहिंसक कार्य था? अंग्रेजी हितों के लिए बंदूक उठाना क्या अहिंसक कृत्य नहीं था? वाह, इसलिए तो कहा गया है वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति। खुदीराम बोस की फांसी और प्रफुल्ल चाकी के आत्मबलिदान ने भारतीय स्वातंत्र संग्राम में एक नए अध्याय का सूत्रपात किया। गांधी और गांधीवादी विचारों के योगदान पर अनगिनत शोध हुए हैं, ज्यादातर सरकारी। गांधी द्वारा लिखे या कहे गए एक एक शब्द को बाद में संग्रहित किया गया है, कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी, सरकारी प्रयास से। परंतु क्रांतिकारियों के कृत्य, विप्लवकारियों के कृत्य, उनके शब्द तो अंग्रेज खुद बटोर बटोर कर लाते थे
उनका पूरा तंत्र उन्हें बटोरने में लगा रहता था। उनको समझने की कोशिश करते थे वे अंग्रेज, और अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए उसके अनुसार कदम उठाते थे। खुदीराम के बलिदान की गाथा पर कई गीत लिखे गए और कई किताबें भी। खुदीराम की बहादुरी के किस्सों से अंग्रेजी सरकार इस तरह डरी हुई थी कि 1924 में बांग्ला में लिखी गई पुस्तक खुदीराम को पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत से लेकर मद्रास प्रेसिडेंसी तक और असम से लेकर बॉम्बे प्रेसिडेंसी तक और बर्मा में भी प्रतिबंधित कर दिया गया। कहना न होगा कि गुलामी के विश्ववृक्ष की जड़ खोदने का जोखिम तो खुदीराम बोस जैसे विप्लवकारियों ने ही लिया था। दश मास दश दिन परे जन्म नीब मासीर घरे मागो तखुन जदि ना चिंते पारिस देखबि गलाय फाँसी একবার বিদায় দে মা, একবার বিদায় দে মা, একবার বিদায় দে মা। খুদিরাম বোস কি ফাঁসি কে আগলে মা হি দেশভর মে দুর্গা পূজা কি তৈয়ারিয়াঁ শুরু হো গই। इस बार बाजार में सबसे बड़ा आकर्षण थी भारत माता के लिए शहीद होने वाले खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी की तस्वीरें। कलकत्ते के बीडन स्क्वायर की दुकानों से लेकर पंजाब के लालपुर के फोटो स्टूडियो और राजामुंद्री में यंग मेंस एसोसिएशन के कार्यालय की दीवारों तक खुदीराम बोस की तस्वीरें महीने भर के अंदर पहुंच गई थी। खुदीराम और प्रफुल्ल चाकी देश की आस्था के नए प्रतीक थे। सिर्फ मैमन सिंह से खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी की तस्वीरों की 3000 प्रतियों के सितंबर 1908 में बिकने की सूचना अंग्रेजों की खुफिया एजेंसी को मिली थी। एक तस्वीर की कीमत एक आना थी उन दिनों। यह कहना कहीं से अतिशयोक्ति नहीं होगी कि खुदीराम बोस के रूप में आधुनिक भारत की अस्मिता को एक सूत्र में बांधने वाला पहली बार एक अखिल भारतीय नायक मिल गया था। शहादत के बाद ही सही। नेहरू अभी इंग्लैंड में अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे थे और गांधी दक्षिण अफ्रीका से रिमोट राजनीति कर रहे थे। दोस्तों, भारत माता के खुदीराम मरे नहीं, शहीद मरते नहीं। हर भारतीय के हृदय पटल पर भारत के शहीदों के चित्र अंकित होते गए। खुदीराम के बाद कन्हैयालाल, बिस्मिल, अशफाक, रोशन सिंह, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु के रूप में अनगिनत सपूत गले में फांसी लिए ही बार बार जन्म लेते रहे, मां की गोद सार्थक करते रहे। दस मास दस दिन परे जन्मो नेबो माशीर घोरे मागो तखन जदि न चिंते पारिस देख पी गो लाए फांसी एक बार विदाय दे मा घुरे आशी। दोस्तों, मैं जानता हूं आज भारत में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसने अपने किसी परिजन, पुरजन, बंधु बांधव को नहीं खोया होगा कोरोना महामारी में। हम सभी दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि देते हैं और उनसे माफी ही मांगते हैं जिनको हमने असहाय छोड़ दिया, जिनके लिए हम कुछ कर नहीं पाए। हमें मिलकर फिर से भारत को आजाद करना है राक्षसी प्रवृत्तियों से, विभाजनकारी शक्तियों से, उस विनाशकारी दंभ और अज्ञानता से जिसने हमें आज इस कयामत में लाकर खड़ा किया है। और डरना किसी से नहीं है,
बस एक हिदायत है, आप भस्मासुर बना तो सकते हैं परंतु आप उस पर नियंत्रण नहीं रख सकते। दोस्तों, आपको फैज़ अहमद फैज़ की एक गज़ल के सहारे छोड़े जा रहा हूँ, जिसे ग्रामोफोन रिकॉर्ड के लिए आवाज़ दी थी तलत महमूद ने। शायद आपकी मोहब्बत को, आपको मिले ज़ख्म को कुछ सुकून मिले। Oh, my God.